हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस, जो आपके भाई ने खुद अपीयर किया है। यानी कि मैंने आज एग्जाम दिया था, तो मुझे आज पता लगा कि मेंस में अभी रिसेंट पैटर्न्स में क्या चेंजेस आ रहा है और आगे के लिए आपको प्रिपरेशन का जर्नी कैसे ले जाना होगा। देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको क्रिटिकली इम्पोर्टेंट लगना चाहिए आगे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्रिटिकली बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि आजकल जो क्रिटिकल रीजनिंग का जो वेटेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। सो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि पेपर कैसा था और किस सेक्शन से क्या मार्क्स है। मैं सोच रहा था कि पहले आपके लिए लिख के लाऊं, फिर मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाते बनाते लिखते, मैंने थोड़ा सा पार्ट उन पे लिख दिया था। जो इंग्लिश का जो पार्ट रहा था उसमें आरसी दो आया था, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो क्वेश्चन आए थे, एक इजी था एक टफ था। ठीक है, एक इजी था एक टफ था, मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा इजी था। ओके, उसके बाद एरर डिटेक्शन थे। एरर डिटेक्शन सिंपल स्ट्रेट सेंटेंस में नहीं था, जबकि मेंस का एग्जाम है, जायज है कि इतना इजी तो होगा नहीं। तो वो उन्होंने क्या किया कि चार पांच सेंटेंस के अंदर में से कोई एक सेंटेंस करेक्ट होगा, उस पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन डाला गया था। उसके बाद आया था फेज रिप्लेसमेंट। फेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस ओवरऑल। और उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, इसके काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इजी था ये, इतना डिफिकल्ट नहीं था। मेरे को लगा था कि ये पार्ट मुझे स्किप कर देना चाहिए क्योंकि पैराजंबल का टाइप है, बट बहुत इजी था। ठीक है, और उसके अलावा और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। एक क्लोज टेस्ट था, यस एक क्लोज टेस्ट आया था बहुत। ठीक है, इसका लेवल भी हम मॉडरेट ही बोल सकते, उतना भी आसान नहीं था क्योंकि दो तीन ऑप्शन में मतलब एक सिंगल ऑप्शन आंसर नहीं था, बहुत वन एंड टू टाइप के आंसर्स थे। उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे, अगेन अच्छे क्वेश्चंस आए थे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के, जो कि काफी अच्छा लेवल था। सो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर ऐसा ही रहा था, और भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसको हम मिसलेनियस में इंक्लूड कर सकते हैं। सो बाकी जो इंग्लिश का पेपर था, आपको पता है इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन में से मेरा जो अटेम्प्ट था मैंने 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन छूट गया। कौन सा एक कोई आरसी का कोई क्वेश्चन था वो जो मैंने छोड़ दिया था सेफ साइड के लिए, बाकी 39 अटेम्प्ट्स थे। तो इंग्लिश का पेपर काफी आसान था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वांट की तरफ। क्वांट को डिस्कस करेंगे, देन स्लोली हम रीजनिंग को डिस्कस करेंगे लास्ट में। रीजनिंग क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पेपर जो था वो रीजनिंग का ही था, सो रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको क्वांट का बता देता हूं। क्वांट का जो पेपर रहा, क्वांट में डीआई आए थे, तीन डीआई पूछा, जिसमें से एक पाई चार्ट था, पाई वाला डीआई, और एक था आपका क्या बोलते हैं उस डीआई को, कॉलम वाला डीआई, जहां पे मतलब रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो बेस्ड बोल सकते हैं इसको, रेशियो बेस्ड डीआई था। मुझे एक्चुअली नाम, इन सब के नाम मुझे कभी मैंने सुना भी नहीं और ध्यान भी नहीं देता हूँ, छोड़ बस इतना था कि रेशियो बेस्ड डीआई था, एक पाई था और एक प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई आया था, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो सवाल था, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस वाला। एंड पाई चार्ट वाला जो सवाल था ये इजी था, बन गया था ये स्किप करना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा क्रिटिकल था, मुझे लगा कि टाइम शायद ज्यादा ले लेगा इसीलिए छोड़ना पड़ा, तो डीआई ये था। उसके बाद डेटा सफिशियंसी आया था, काफी अच्छा डेटा सफिशियंसी, वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे डेटा सफिशियंसी के, अराउंड तीन से चार सवाल थे डेटा सफिशियंसी के। सिंप्लीफिकेशन आया था, ओके सिंप्लीफिकेशन यानी कि अप्रोक्सीमेशन आया था, बट इस पे इंक्लूड कर देते, चार से पांच सवाल अप्रोक्सीमेशन के थे। सीरीज आया था, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर मिक्स टाइप एक सीरीज आया था। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आया था, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आया था। बेसिकली क्वांट में ज्यादातर वेटेज तो डीआई ने ले लिया, एक अच्छा और एक डीआई आया था, एक केसलेट भी आया था, केसलेट भी एक आया था, केसलेट आसान था, उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किया, मैं अपना बात बोल रहा हूँ। और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में भी अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश में आपका जो
अटेम्प्ट है वो 30 तो रहना ही है। देखो 30 से कम अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट जाएंगे तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, और एक बात, मैं आपको जीएस का एनालिसिस नहीं दूंगा क्योंकि मैंने जीएस विदाउट प्रिपरेशन अटेम्प्ट किया था, सो जीएस का मुझे कुछ पता नहीं है। आप जीएस आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा जीएस का लेवल, जितना मैंने स्टूडेंट से सुना है जीएस का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफर साइड में रहा था, सो उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट क्वांट का जो पेपर था वो ऐसा था, डेटा सर्विस सिंप्लीफिकेशन डीआई था, डीआई से ही भरा था क्वांट, ठीक है। उसके बाद क्वांट में और भी कुछ कुछ नॉर्मल जो एरिथमेटिक के सवाल थे, एरिथमेटिक के सवाल काफी थे, 4-5 क्वेश्चन थे एरिथमेटिक के, जिसमें से पार्टनरशिप का बहुत सारा क्वेश्चन था, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन हो गए, फिर उसमें आपका वोटेज स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, ओके। सो ऐसे सवाल थे, काफी सवाल थे, एंड बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। एंड चलो, ये ऐसा ही पेपर था क्वांट का। सो क्वांट का जो अटेम्प्ट रहा था, मैंने अटेम्प्ट किया क्वांट में अराउंड 30 नंबर के अटेम्प्ट किए, बट अगर मैं बोलूं कि गुड अटेम्प्ट कितने, सो एनीथिंग अबव 20 इज ए गुड अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू मी, एनीथिंग अबव 20 इज ए गुड अटेम्प्ट। क्वांट का पेपर नॉर्मल था, क्वांट उतना भी इजी भी नहीं था, उतना भी ज्यादा टफ नहीं था जैसा होना चाहिए। क्लर्क मीन्स एसबीआई का क्लर्क मीन्स है, तो एसबीआई का पेपर जनरली उतना इजी नहीं होता है। एंड बाकी जो डीआई वगैरह था, थोड़ा सा देखो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट करेंगे, अभी आपको आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि आपको ऐसा एक पाई चार्ट खींच के सारे परसेंटेज यहाँ पे लिख के वो दे देगा, तो वो तो मेंस का सवाल ही नहीं होगा, तो वो एक पॉइंट है। और क्वांट का ऐसा ही था, इससे ज्यादा मैं और कुछ क्या बोलूं, ऐसा ही पेपर था। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग का पेपर यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, रीजनिंग में अगर मैं आऊं, रीजनिंग में एक पजल आया था, पजल इसको हम आप लोग कोई कोई ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलते हैं, मैं हर एक चीज को पजल ही बोलता हूं। तो ये फ्लोर बेस्ड था, फ्लोर बेस्ड एक पजल आया था जो कि सॉल्व हो गया था, ठीक है, अच्छा पजल था, इट वॉज ए गुड पजल और इजी था, बोल सकते इजी था, मतलब मेरे को तो इजी लगा, हो गया था फर्स्ट तीन वो बनता है उसका जो टाइप्स होते हैं, उसमें से 2 टाइप बहुत इजीली एलिमिनेट हो जा रहा था, तो थर्ड वाले में आंसर बहुत इजीली आ गया, ठीक है। इस वाले पजल में ऐसा था कि 9 स्पेसेस फिल थे और 4 वेकेंट थे, 9 फील्ड थे और 4 वेकेंट थे, तो यही चल रहा था यहाँ पे, 9 फील्ड था और 4 वेकेंट था पजल में, तो ये था। और एक पजल आया था ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन बेस्ड एक पजल आया था जो कि मुझे स्किप करना पड़ा, ठीक है, मतलब करना पड़ा, यानी कि मैं जनरली ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल अवॉइड करता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उस चीज को ब्लड रिलेशन का पजल मैं हमेशा स्किप करता हूँ। सो ऐसा ही पजल आया था, उसको स्किप किया। हैरानी की बात यह है कि पजल यार सिर्फ 2 ही आया था, जनरली आप मेन्स के पेपर में और वो भी क्लरिकल मेन्स में 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप एक्सपेक्ट करोगे कि 3 से 4 पजल को आता है जनरली, बट इस बार 2 ही आया था, ठीक है, पजल ये हो गया। इनपुट आउटपुट का एक सवाल था, ठीक है, जो कि थोड़ा टफर साइड में था, मैंने इसको स्किप कर दिया था, ये टफर साइड में था, थोड़ा सा टफर साइड में था। डेटा सफिशियंसी आया था और बहुत अच्छा डेटा सफिशियंसी आया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशियंसी, सीरियसली बहुत अच्छे क्वेश्चन थे डेटा सफिशियंसी के। इनपुट आउटपुट आया था, डेटा सफिशियंसी आया था, और एक सिलॉक्स आए थे, सिलॉक्स वेरी गुड सिलॉक्स, ठीक है, कोडेड सिलॉक्स आए थे, और इनइक्वालिटी आया था, इनइक्वालिटी कोडेड नहीं आया था, इजी वाला आया था, डायरेक्ट वाला, ठीक है, सिलॉक्स आए थे 3 और इनइक्वालिटी भी 3 ही आया था। उसके अलावा और था आपका, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ, जस्ट लेट मी रिमेम्बर, और क्या आया था, डेटा सफिशियंसी हो गया, सिलॉक्स इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था, इजी था, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आया था, इजी था। और एक टाइप का क्वेश्चन आया था, उसको पजल नहीं बोल सकते, वो उसको यार रीजनिंग में क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैं रीजनिंग का टीचर भी नहीं हूं तो मुझे एक्जेक्टली वो चीज पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसा कुछ मतलब कमांड बेस्ड कुछ क्वेश्चन था कि ऐसा ऐसा होता है, अगर आपको ये नंबर मिला तो
तो आप आगे वाले में जाओ, अगर आपको ऑड नंबर मिलता है तो आप नेक्स्ट नंबर को देखो, वैसा टाइप का कंडीशन बेस्ड लिख देता हूँ। इजी था, कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस बहुत बड़ा था, उसको पढ़ने में टाइम लग गया था। ठीक है, ये था रीजनिंग का। और रीजनिंग में इस बार जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, जिसको मैं क्रिटिकल रीजनिंग हम लोग बोलते हैं, लॉजिकल जो रीजनिंग होता है, इससे काफी सवाल थे। मैं बता सकता हूँ अराउंड 10 सवाल इसमें से थे। इसीलिए मैं मेंस के पहले हम जो लाइव क्लासेस करते हैं उसमें मैं अपने एस्पिरेंट्स को, जो हमारे एस्पिरेंट्स है, मतलब आप सभी हमारे एस्पिरेंट्स है, बस जो था जो हमारे साथ लाइव क्लास करते हैं, मैं उनको बहुत बार बोल रहा था कि यार क्रिटिकल रीजनिंग कर लो, आने वाला है, आ गया, अच्छा वाला आया और अटेम्प्ट करने लायक आया, 10 नंबर से 10 के 10 उठा सकने वाला क्रिटिकल रीजनिंग आया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं रीजनिंग को बाद में लास्ट में क्यों लेके आया, क्योंकि मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो बैंकिंग एग्जाम का जो पैटर्न है, अभी आप कोई भी एग्जाम हो, बैंक, इंश्योरेंस, सब कुछ, क्या हुआ है कि वो जो पैटर्न है ना, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, इतने सारे टीचर्स है, इतना सारा मेटेरियल है, सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया। अभी लोग क्वेश्चन बना के लोगों से नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम टाइप हो रहा है, तो लोग आजकल बेकार टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग का जो मतलब जो लोग सेट करते हैं, वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें ला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा कुछ और लगे। अच्छा, मैंने मैथ्स में और एक चीज मिस कर दिया, नंबर सिस्टम के काफी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए थे, क्वांटिटी बेस्ड भी थे, तो वो नंबर सिस्टम के काफी क्वेश्चन आए थे। सो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो पैटर्न है, धीरे धीरे जो पैटर्न है वो धीरे धीरे कैट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बैंकिंग एग्जाम में जब 2021 में जब SBI क्लर्क का मेंस एग्जाम लिखा था, उस टाइम पे क्रिटिकल रीजनिंग इतना क्लर्क में तो आ ही नहीं रहा था, आता ही नहीं था, PO में ही आता था। अभी क्लर्क में भी आ रहा है, तो आप सोचो PO में क्या होगा। PO के मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, टफ वाला इन्फ्रेंस बेस्ड पूछेंगे। So, वही मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जो बैंक का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे कैट की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज सीट्स कम है और लिमिटेड सीट्स के लिए मेहनत करवाना पड़ेगा एस्पिरेंट से, अदरवाइज कंपटीशन इतना हो जाएगा कि दे कांट डिसाइड, बोर्ड कांट डिसाइड। सो इस वजह से दिस इज ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा जो आपको आगे प्रिपरेशन में करना है, आपको क्या करना है। रीजनिंग में सिर्फ पजल बनाने से नहीं बनेगा भाई, बात नहीं बनेगा। यू हैव टू गो टुवर्ड्स क्रिटिकल रीजनिंग, यू हैव टू इंक्लाइन टुवर्ड्स क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना ही है। पहले जैसे टीचर्स बोलते थे वैसा नहीं होगा, क्रिटिकल रीजनिंग स्किप कर दो तो नहीं बनेगा बात। यू हैव टू डू क्रिटिकल रीजनिंग एंड यू हैव टू कैट का जो पेपर्स होता है उसमें से जो क्वेश्चंस कराते हैं उन क्वेश्चंस को, जो बैंकिंग के रिलेटेड है, उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, वंस द प्रिपरेशन इज कंप्लीट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम अपना एक फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में कांटेक्ट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो फ्री बैच फॉर ऑल द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड डू कॉन्टेक्ट अस, डू रीच अस। हम आपको हर एक चीज जैसे ही पैटर्न शिफ्ट हो रहा है उस तरह से हम आपको लेके जाएंगे, एंड वी विल प्रोवाइड द बेस्ट ट्रेनिंग। Thank you, everyone.